So, hello friends and welcome back to our channel PE Education app. सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों. और मेरा नाम है यश मावंडिया और हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 ओलंपिक मूवमेंट, जिसका हम लोग अभी पार्ट 6 करेंगे. ओके दोस्तों, तो हमने पार्ट 5 तक कर लिया है. दोस्तों जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे मतलब चैनल पर जाके देख सकते हैं. हमने फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक, फोर्थ टॉपिक, फिफ्थ टॉपिक तक कर लिया था. आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ CBSE स्पोर्ट्स एंड चाचा नेहरू स्पोर्ट्स अवार्ड. तो बिना कोई देरी के हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं. काफ़ी मज़ेदार टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आप बहुत लोग अवेयर हो CBSE के बारे में. मोस्टली लोग अवेयर हो जो भी अभी मेरे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, CBSE के बारे में सब लोग अवेयर होंगे. पढ़ने में थोड़ा मज़ा आएगा. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CBSE. अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बात करते हैं CBSE की, ठीक है. CBSE ऑर्गेनाइजेस क्लस्टर लेवल, जोनल लेवल, नेशनल लेवल एनुअली. ओके, तो CBSE जो है ना वो 3 लेवल्स ऑर्गेनाइज करती है, क्लस्टर लेवल, जोनल लेवल एंड नेशनल लेवल एनुअली. एनुअली मतलब साल में एक बार, ठीक है. सेकंड पॉइंट, ऑर्गेनाइजेस अंडर द जनरल डायरेक्शन ऑफ CBSE. ऑफकोर्स अगर CBSE ऑर्गेनाइज कर रही है तो CBSE के अंडर में ही वो होगा. तो ये दोनों फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट को रिलेटेड है. ओके, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं. चेयरमैन ऑफ द CBSE इज़ द चेयरमैन ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स कमेटी. जो चेयरमैन है CBSE का वही चेयरमैन है स्पोर्ट्स का और गेम कमेटी का. ओके, नो डाउट. फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं. CBSE दिल्ली इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ स्पोर्ट्स कमेटी. इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, ठीक है. CBSE दिल्ली वो जो है वो हेड क्वार्टर है स्पोर्ट्स कमेटी का. जैसे कि हमने देखा था IOC का हेड क्वार्टर क्या था, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है. तो ऐसे ऐसे छोटी मोटी चीज़ें को और रिलेट करके एक साथ लर्न करने की कोशिश कीजिए, ठीक है. अब हम उसके कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. चिंता मत करिए, हम वापस पर इसका रिवीजन करेंगे, ठीक है. तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, टू अरेंज एंड ऑर्गेनाइज CBSE एफिलिएटेड इंटर स्कूल स्पोर्ट्स. ओके, तो आप में से कई सारे बच्चे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में गए होंगे, ठीक है. वो CBSE के थ्रू ही ऑर्गेनाइज होते हैं. जो भी CBSE स्कूल में पढ़ते हैं वो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में गए होंगे, ठीक है. वॉलीबॉल होता है, फुटबॉल होता है, बास्केटबॉल होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सेकंड पॉइंट, टू हिनेंस द जनरल स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स. ओफले, ओके, तो ये है ना स्पोर्ट्स के बारे में अवेयरनेस. जनरल स्टैंडर्ड एक लेवल देना चाहता है स्कूल्स को थ्रू द मीडियम ऑफ स्पोर्ट्स. ओके, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, टू इनकरेज एंड प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस अमॉन्ग द स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स. भाईचारा, दोस्ती, ये सब का जो रिलेशन है वो फ्रेंड्स के बीच में और डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के बीच में संबंध बढ़ाना चाहते हैं. हिंदी में बोल रहा हूँ, ठीक है. इंग्लिश में जो स्टूडेंट सुनना चाहते हैं, रिलेशनशिप इंक्रीज करना चाहते हैं वो लोग बिटवीन फ्रेंड्स एंड स्कूल्स, डिफरेंट स्कूल्स एंड डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, ठीक है. ऐसे वो रिलेशन बनाना चाहते हैं ताकि कभी भी कोई ज़रूरत पड़ती है यार तभी काम कभी भी कोई आ सकता है काम, ठीक है. फोर्थ पॉइंट, टू प्रमोट इथेलिकल वैल्यूज़ इन स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है. इथेलिकल वैल्यूज़ प्रमोट करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन के माइंड में, कौन, CBSE स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर. ओके, फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं हम लोग अब, टू ऑर्गेनाइज रिफ्रेशर ओरिएंटेशन एंड वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन टीचर्स. ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार दोस्तों, ठीक है. टू ऑर्गेनाइज रिफ्रेशर ओरिएंटेशन एंड वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन टीचर्स, ठीक है. तो रिफ्रेशर यानी कि जब आप कोई प्रोग्राम में जाते हो तो आपने देखा होगा आपको रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ आइटम्स मिलते हैं, मोस्टली समोसे या तो कोई बिस्किट मिलता है, ठीक है, जैसे पार्ट ऑफ जोक, ठीक है. कोई रिफ्रेशमेंट आपको मिलता है आपका जब कोई कॉम्पिटिशन होता है उसके बाद, ठीक है. वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, वर्कशॉप्स होती है, कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है, टीचर्स के लिए भी और डिफरेंट स्टूडेंट्स के भी. सिक्स पॉइंट की बात करें, टू ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ फॉर मास पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स. मास पार्टिसिपेशन मतलब यार ज़्यादा लोगों की संख्या, ज़्यादा बच्चों की पार्टिसिपेशन, ठीक है. मास यानी कि ज़्यादा, आपने सुना है मास बंकिंग. मास बंकिंग मतलब होता है जब सारे बहुत सारे बच्चे एक साथ बंक करते हैं, उसको हम लोग मास बंकिंग कहते हैं. उसी तरह मास पार्टिसिपेशन मतलब ज़्यादा, जब बहुत सारे बच्चे एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं एक एक्टिविटी में, तो इनका वो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, एम होता है कि मास पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट हो, ठीक है. ऐसी कोई एक्टिविटी वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक. तो हमने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देख लिए, कॉन्स्टिट्यूशन देख लिए, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ CBSE के. अब हम कुछ जनरल रूल्स देखेंगे फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टूर्नामेंट्स एंड कॉम्पिटिशन. अपन ने देखे कि कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज होते हैं, टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, तो उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन उनको बनाने पड़ते हैं, उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है, पूरा शेड्यूल डिसाइड करना पड़ता है कौन सा कब होता है,
इसके बारे में हम एकदम डिटेल में अभी जानते हैं। एनी स्पोर्ट्स इवेंट मे बी इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड, कोई भी मैच कोई भी स्पोर्ट कब सॉरी मैच नहीं कोई भी स्पोर्ट कभी भी ये लोग इंक्लूड कर सकते हैं या तो एक्सक्लूड कर सकते हैं। यानी कि इस साल जैसे कि वॉलीबॉल था, बैडमिंटन था, फुटबॉल था, अगले साल देखा तो फुटबॉल नहीं था, वॉलीबॉल था, बैडमिंटन था और खो खो आ गया। ठीक है, तो ऐसे ये लोग कोई भी स्पोर्ट्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं या तो इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे इन्होंने एक्सक्लूड किया फुटबॉल को और इंक्लूड किया खो खो को। ओके, सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, नो टीम इज़ अलाउड टू टेक पार्ट विदाउट फिजिकल एजुकेशन टीचर। ठीक है, कोई भी ट्रेनिंग के बिना अलाउड नहीं होता। ऑफकोर्स यार ट्रेनिंग के बिना कोई भी अलाउड नहीं करेगा, फालतू की टाइम वेस्ट होगा, फालतू प्लेयर का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो यार इसके लिए अलाउड नहीं करते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के विदाउट कोई भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन। इफ़ टूर्नामेंट इज सस्पेंडेड ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस, रीशेड्यूलिंग इज टू बी डिसाइडेड बाय स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। ओके, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, ऑल द कॉम्पिटिशंस एट क्लस्टर। ये मेरे को समझाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है ना, ये ईजिली दिख रहा है। इफ़ टूर्नामेंट इज सस्पेंडेड ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस, शेड्यूलिंग इज टू बी डिसाइडेड बाई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। अगर कोई भी टूर्नामेंट सस्पेंड हो गया या तो कोई भी रीजन के कारण वो रुक गया, ठीक है, तो उसको रीशेड्यूल किया जाता है स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के थ्रू। ओके, ऑल द कॉम्पिटिशंस एट क्लस्टर एंड जोनल लेवल विल बी ऑन नॉकआउट बेसिस। ठीक है, हमने देखा था क्लस्टर लेवल होता है, जोनल लेवल होता है और नेशनल लेवल होता है हर एक साल में। ठीक है, तो ये लोग क्लस्टर ऑल द कॉम्पिटिशन ऑफ क्लस्टर लेवल एंड जोनल लेवल विल बी ऑन नॉकआउट बेसिस, यानी कि आउट हो गए तो बाहर हो गए। ठीक है, तो हमारा CBSE ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको रिवीजन चाहिए तो मैं बदल के दे देता हूँ। चलो, बहुत इजी है यार। कॉन्स्टिट्यूशन की पहले बात करें तो हम इसमें मैं थोड़ा फास्ट बोलूँगा, ठीक है, अगर आपको स्लो करके सुनना है तो आप स्लो करके सुन सकते हो, वैसे कुछ मज़ा आने वाला नहीं है इसमें। ठीक है, रिवीजन में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CBSE स्पोर्ट्स के बारे में बात करें तो CBSE स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करती है क्लस्टर लेवल, जोनल लेवल, नेशनल लेवल एनुअली, एक साल में एक बार। ठीक है, ऑर्गेनाइज अंडर द जनरल डायरेक्शन ऑफ CBSE के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जाता है। चेयरमैन ऑफ CBSE इज द चेयरमैन ऑफ स्पोर्ट्स एंड फेडरल गेम कमेटी। जो CBSE का चेयरमैन है वही CBSE वही स्पोर्ट्स एंड गेम्स कमेटी का चेयरमैन है। CBSE दिल्ली इज द हेडक्वार्टर ऑफ स्पोर्ट्स कमेटी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली पे है CBSE का। ठीक है, कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करें हम लोग, टू अरेंज एंड ऑर्गेनाइज CBSE एफिलिएटेड इंटर स्कूल स्पोर्ट्स। ठीक है, इंटर स्कूल स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं ये लोग। सेकेंड, टू इनहांस द जनरल स्टैंडर्ड ऑफ द स्पोर्ट्स इन CBSE एफिलिएटेड स्कूल। ओके, सिंपल। थर्ड, टू इनकरेज द प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन अमंग द स्कूल्स एंड स्टूडेंट्स। समझाने की कोई जरूरत नहीं, मैं अच्छे से समझा दिया था मैंने। टू प्रमोट एथिकल वैल्यूज इन द स्पोर्ट्स पर्सन, एकदम अच्छी भावना खेल के बारे में, ये सब स्पोर्ट्स पर्सन के माइंड में लाना है कॉन्फिडेंस वो सब। ठीक है, टू ऑर्गेनाइज रिफ्रेशर ओरिएंटेशन एंड वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन टीचर्स। ओके, बहुत अच्छे से समझाया था मैंने पॉइंट। टू ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज फॉर मास पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, आपको मैं गो थ्रू करवा रहा हूँ, एक तरीके से मैं कोई रिवीजन नहीं बोल सकते इसको। ठीक है, गो थ्रू करवा रहा हूँ ताकि आपका एकदम से रिवीजन हो जाए। जनरल रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टूर्नामेंट्स एंड कॉम्पिटिशन, ये आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए अच्छे से। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखें, एनी स्पोर्ट्स इवेंट मे बी इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड, एकदम अच्छे से बता दिया मैंने एग्जाम्पल देखें। सेकेंड, नो टीम इज अलाउड टू टेक पार्ट विदाउट फिजिकल एजुकेशन टीचर, सही बात है एकदम। ठीक है, इफ टूर्नामेंट इज सस्पेंडेड ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन, रीशेड्यूलिंग इज टू बी डिसाइडेड बाय स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। कोई भी मैच रुक गया है तो कोई किसी कारण बंद हो गया, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी डिसाइड करती है कि उसको अगला उसको मैच को वापस कब किया जाए। ओके, फोर्थ पॉइंट को हम देखते हैं, ऑल द कॉम्पिटिशंस आर ऑफ एट क्लस्टर लेवल एंड जोनल लेवल विल बी ऑन नॉकआउट बेसिस। ठीक है, सिंपल एंड इजी। नाउ हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की, जो है चाचा नेहरू स्पोर्ट्स अवार्ड। ठीक है, इसके बाद हमारा एक टॉपिक बचेगा जो कि है पैरालिंपिक मूवमेंट, जिसकी हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, इन 2005 द CBSE बोर्ड इंट्रोड्यूस चाचा नेहरू स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर इट्स स्पोर्टिंग टैलेंट सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ the performance and during the various CBSE inter school sports and games competitions. तो ये interlinked है एक तरीके से CBSE के थ्रू ही। ठीक है, मतलब CBSE में मतलब जो CBSE जो स्पोर्ट्स इंटर स्कूल स्कूल्स कमेटी वो सब जो ऑर्गेनाइज करती है टूर्नामेंट्स एंड कॉम्पिटिशन, उसमें जो एकदम टैलेंटेड बच्चा जिसकी परफॉर्मेंस एकदम अलग हटके रही हो, ठीक है, उसको चाचा नेहरू स्पोर्ट्स अवार्ड मिलता है। ये 2005 से शुरू हुआ था, CBSE बोर्ड इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो स्पोर्टिंग टैलेंट जो एकदम जिसकी हटके एकदम परफॉर्मेंस होती है उसको ये CBSE के थ्रू मिलता है चाचा नेहरू स्पोर्ट्स अवार्ड। टोटल 162 स्कॉलरशिप ऑफ ₹500 मंथ, बाकी एकदम शानदार रिवॉर्ड है यार। ठीक है, 162 स्कॉलरशिप ऑफ रुपीस, एक 162 रुपीस की स्कॉलरशिप मिलती है, वो भी ₹500 मिलते हैं पर मंथ। ओके, द अवार्ड वुड बी गिवन टू एथलीट्स आइडेंटिफाइड एंड रिकमेंडेड बाय द सिलेक्शन कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय द बोर्ड।
Okay, the award would be given to athletes identified and recommended by the selection committee constituted by the board. एकदम सिंपल है, मैं कुछ को कंसर्न जाने की जरूरत नहीं है, एकदम हिंदी में लग रहे हैं. ठीक है, नंबर ऑफ स्कॉलरशिप में बी इंक्रीज इन केस ऑफ टाई इन पॉइंट्स. ओके, तो स्कॉलरशिप जो है वो इंक्रीज हो सकता है अगर कोई दो मैचेस के बीच में टाई हो जाए तो. ठीक है, पॉइंट्स एकदम क्लियर है. अब हम इस चाचा नेहरू ऑब्जेक्टिव चाचा नेहरू स्पोर्ट्स अवार्ड्स के कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं. इट इज़ टू आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज, नर्चर एंड डेवलप द एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट अमॉन्ग द स्टूडेंट्स. ठीक है, ये लोगों को, बच्चों को बढ़ावा देते हैं. ठीक है, कि भाई तुम लोग अच्छा करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, तो अपनी परफॉर्मेंस जो है उसके हट के देना. ठीक है, द फाइनेंशियल सपोर्ट इन फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप विल मोटिव द स्टूडेंट टू एक्सेल इन देयर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़. अब बस इसमें इन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि भाई आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज, ये सब करने के लिए वो लोग ये सब रखते हैं, और इसमें बस उन्होंने रख दिया स्कॉलरशिप को. स्कॉलरशिप के लिए ये अवार्ड लेना है, आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको अच्छे से करना पड़ेगा, ये मोटिवेशन दे रहे हैं वो लोग, ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, एलिजिबिलिटी, स्टूडेंट्स मस्ट बी इंडियन नेशनल स्टडी इन स्कूल लोकेटेड इन इंडिया ऑफ क्लास 9th to 12th. अब इसके कुछ वो है, एक्सेप्शन है कि आपको अगर आपके पास ये नहीं है, ये रूल्स नहीं हो फॉलो होंगे तो आपको अलाउड नहीं है इस कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए, और आपको ये अवार्ड नहीं मिल सकता फिर. ठीक है, स्टूडेंट्स मस्ट बी इंडियन, ऑफकोर्स इंडियन होगा. ठीक है, इंडियन होना चाहिए, इंटरनेशनल स्टडी में करना चाहिए, स्कूल होनी चाहिए, मतलब स्कूल इंडिया में लोकेटेड होनी चाहिए, और क्लास 9th to 12th का स्टूडेंट होना चाहिए. ठीक है, he should not be in receipt of any other scholarship for the same purpose for any other SNGC. ठीक है, एजेंसी. दोस्तों हमारा चाचा नेहरू स्पोर्ट्स अवार्ड भी खत्म हो गया, अगर आपको रिविजन करवाई देता हूँ. चलो ठीक है, पेपर चलिए से मैं क्विक रिविजन करवा रहा हूँ, एकदम मतलब डिस्क्रिप्ट आपको एकदम अच्छे से वापस एक बार बता देता हूँ. ठीक है, छोटा सा. इन 2005 द CBSE बोर्ड इंट्रोड्यूस चाचा नेहरू स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर इट स्पोर्टिंग टैलेंट सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द वेरियस CBSE इंटर स्कूल स्पोर्ट्स गेम एंड कॉम्पिटिशंस. ऑलराइट, एकदम सिंपल है. टोटल 162 स्कॉलरशिप ऑफ ₹500 पर मंथ. टेक अवार्ड वुड बी गिवन टू एथलीट्स आइडेंटिफाइड एंड रिकमेंडेड बाय द सिलेक्शन कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय द बोर्ड. एकदम सिंपल पॉइंट. नंबर ऑफ स्कॉलरशिप में बी इंक्रीज इन द ईच टाई पॉइंट्स. दो टाई हो तो उसके बीच में वापस स्कॉलरशिप थोड़ी इंक्रीज हो सकती है. कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें, इट इज़ टू आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज, नर्चर और एंड डेवलप द एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट अमंग द स्टूडेंट्स. कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट्स को बच्चों के सामने, दूसरे बच्चों के सामने लाने के लिए इनका ये मेन ऑब्जेक्टिव है. द फाइनेंशियल सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप विल मोटिव द स्टूडेंट्स टू एक्सेल इन देयर स्पोर्ट्स एक्टिविटी. ऑल राइट, नाउ कुछ एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं हम इसकी. स्टूडेंट मस्ट बी इंडियन नेशनल स्टडी इन स्कूल लोकेटेड इन इंडिया ऑफ क्लास 9th to 12th. ओके, ही शुड नॉट बी इन रिसिप्ट ऑफ एनी अदर स्कॉलरशिप फॉर सेम पर्पज फ्रॉम एनी अदर एजेंसी. ठीक है, एकदम ईजी है यार चाचा नेहरू अवार्ड. तो दोस्तों ये था हमारे आज के इस वीडियो में. अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है पैरालिम्पिक मूवमेंट, जो कि जिसका वीडियो जल्दी आने वाला है. ठीक है, जल्दी से लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो, बेल आइकन को भी हिट कर देना क्योंकि वीडियोज आते रहते हैं. और एक बार फिर से कही दिल से आप सभी से शुक्रिया जो आपने हमारे चैनल को इतना सपोर्ट किया. ठीक है दोस्तों, ये जो पैरालिम्पिक मूवमेंट है इसके बाद एक सरप्राइज वीडियो आने वाला है जिसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा. ठीक है, बहुत मजा आने वाली है उस वीडियो में यार, कुछ अलग मैं भी पहली बार करूंगा वो वीडियो को. ठीक है, पैरालिम्पिक मूवमेंट के बाद आएगा वो एक वीडियो. ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अच्छा लगा हो तो लाइक तो ज़रूर कर देना. और कोई भी डाउट हो तो यार आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा खुला रहता है. मैंने आपको कितनी बार बोला है कि यार कुछ कमेंट करना हो तो कर दो. ठीक है, मेरे पास कई बच्चों के कमेंट्स आए हैं. ठीक है, तो गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे. मेरा नाम है यश मांडिया, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में.